हेलो गाइस, क्या हाल है? ठीक हो? सब अच्छे से हो? तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम यू फोन की जो न्यू डिवाइस है ब्लेज की DWR 930, इसकी अनलॉक फाइल को हम शेयर करेंगे इस वीडियो में। ये आप चेक कर सकते हैं, ये कुछ इस तरह की डिवाइस है जो न्यू आई है मार्केट में। तो इसको कैसे अनलॉक करना है आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। फाइल आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो गाइस, जिसको ये फाइल चाहिए हो या जिसने ये डिवाइस अनलॉक करवानी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, आपने उस पर मैसेज कर लेना है व्हाट्सएप का। तो गाइस, इसलिए हम फाइल को देखते हैं कि किस तरह से आपने डिवाइस को लगाना है और किस तरह से इस फाइल को रन करना है। तो गाइस, ये पहले ये फाइल है, इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। इसमें एक छोटा सा पासवर्ड है जो आपने लगाना है और ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। सेट होने के बाद इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो गाइस, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये इस तरह से कीजन मांगेगी, कीजन को हम ओपन करते हैं। तो गाइस, कीजन को हम करते हैं ओपन। कीजन हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम आईडी को पेस्ट करते हैं, जनरेट करवा के इसको कॉपी करने के बाद हम फाइल में पेस्ट करेंगे। ये हमारा पेस्ट हो गया। यहाँ पे एग्जी का पासवर्ड लगाने के बाद ये हमारी फाइल ओपन हो के आ चुकी है। तो गाइस, ये पोर्ट नंबर मांग रही है। पोर्ट आपने डिवाइस मैनेजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने SPD के ड्राइवर जो हैं वो इंस्टॉल कर लेने हैं। यहाँ आपने पोर्ट्स को ओपन कर लेना और डिवाइस को ऑफ़ करके आपने WPS बटन प्रेस करके केबल लगा देनी है। जैसे ही आप WPS प्रेस करके केबल लगाएंगे, यहाँ पे पोर्ट शो हो जाएगी SPD की। आपने पोर्ट के आगे जो नंबर होगा वो आपने यहाँ पे ऐसे, फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर हो सकता है, आपने वो लिख लेना है। मैं तो गाइस, आपने कोई भी नंबर लिख लेना, मैं यहाँ पे 5 लिख के एंटर कर देता हूँ। तो आपका जो पोर्ट नंबर होगा वो डिटेक्ट करेगी और फाइल राइट होना स्टार्ट हो जाएगी। और 2 से 1 मिनट लेगी फाइल रन हो के, आपकी जो डिवाइस है वो ऑल नेटवर्क के लिए अनलॉक हो जाएगी। तो अगर जिसको ये डिवाइस अनलॉक करवानी है वो नीचे व्हाट्सएप के नंबर पर मैसेज कर सकता है। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।